अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टडी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश लेवल 4। ओपन योर बुक पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग। पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग, यस। लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ द स्टोरी। यस, देयर इज अ पिपी, इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। In our previous class, we have studied that Pippi entered in Villa Villicula. That was a lovely summer evening. In the next door, Tommy and Nika lived. They were not at home. They have gone at their grandmother's home for a week. When they come back, they have no idea that there is a playmate very near. टॉमी एंड अनिका अपनी दादी के यहाँ पर एक हफ़्ते के लिए गए होते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि उनका खेल का साथी बहुत करीब है। वो लोग अपनी गली में खड़े वो यही सोच रहे होते हैं दैट इट इज़ इट समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग और नॉट, और दीज आर ऑल्सो द बोरिंग डेज लाइक बिफोर। एट द सेम टाइम दे वर थिंकिंग अबाउट इट, द गेट ऑफ द विला विलिकुला ओपन एंड अ गर्ल विद स्ट्रेंज appearance come out from the home. She was Pippi. She came out from the home for her morning walk. Yes, for her morning walk. And what does she look? She has a braided. Pippi की दो लंबी लंबी चोटियाँ वहाँ पर बनी होती हैं जो कि ऊपर की तरफ खड़ी होती हैं. It is very strange. Am I right, students? दो चोटियाँ ऊपर की तरफ खड़ी होती हैं और उसके जो हेयर कलर होते हैं वो reddish carrot होते हैं, carrot like होता है. इसका ब्लू ड्रेस होता है जहाँ पे सम पीसेस ऑफ रेड क्लॉथ आल्सो एडेड एंड द वेरी स्ट्रेंज थिंग इन हर अपीयरेंसेस लॉन्ग सॉक्स. यस, लॉन्ग सॉक्स आर कॉल्ड लॉन्ग स्टॉकिंग. शी वेयर द लॉन्ग सॉक्स एंड ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड हर शूज आर वेरी लॉन्ग ट्वाइस ऑफ हर फीट. उसके पैरों के साइज से दुगने बड़े इसने शूज़ पहने हुए थे जो कि उसके फादर लेकर आए थे एज अ गिफ्ट और वो उसको बहुत पसंद थे. उसका जो फेस था उसकी नोज लाइक अ पोटैटो एंड दे सम फ्रैकल्स निशान थे उसके फेस के ऊपर और उसका माउथ पीस बहुत बड़ा वाइट था एंड शी इज़ अ लॉन्ग शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ. एंड स्टूडेंट्स, ये ड्रेस पिपी ने अपने लिए खुद डिज़ाइन किया था. यस, शी हैज़ डिज़ाइन दिस ड्रेस फॉर हर सेल्फ. स्टूडेंट्स, टर्न द पेज, पेज नंबर 2. लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, न्यू रीडिंग. बट द थिंग्स दैट मेड टॉमी एंड अनिका ओपन देयर आईज वाइडेस्ट ऑफ ऑल वॉज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर. वो एक अजीब थी चीज़ जो कि टॉमी एंड अनिका ने अनिका की आंखों को खोल दिया था हैरानगी से. वो क्या था कि एक गर्ल, स्ट्रेंज गर्ल, उस अजीब और गरीब लड़की के शोल्डर पर एक मंकी बैठा हुआ था. इट वॉज़ अ लिटल मंकी, वो एक छोटा मंकी था ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट. उसने ब्लू पैंट पहनी हुई थी, अ येलो जैकेट, येलो कलर की उसकी जैकेट थी एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और तिनकों की सफ़ेद हैट पहनी हुई थी लाइक दिस. ये देखिए स्टूडेंट्स, मंकी बैठा हुआ है और उसकी हैट किस कलर की, वाइट कलर की तिनको की हैट है. पिपी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट विथ वन फुट ऑन द साइड वॉक. पिपी गली के अंदर साइड में चल रही होती है, एक उसका पाँव साइड वॉक पर होता है, फुटपाथ पर होता है एंड द अदर इन द गटर, और दूसरा पाँव उसका कहाँ होता है, गंदी जगह पर. यस, वो घसीटती हुई गंदी जगह से वो पाँव लेकर चल रही होती है और एक साइड वॉक पर होता है. टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर. टॉमी एंड अनिका जहाँ तक देख सकते थे उसको देखते रहे. इन अ लिटिल वाइल शी केम बैक, थोड़ी देर में वो वापस आई. एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग टू बैकवर्ड, बट वो चल रही थी उल्टे कदम, पीछे की तरफ चल रही थी. दैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, क्योंकि वो घर वापस आने के लिए मुड़ना नहीं चाहती थी. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज स्टूडेंट्स कि वो जब वॉक के लिए गई है और जब वो पीछे मुड़कर घर वापस आना चाहती है तो वो मुड़ना नहीं चाहती थी, वो बैकवर्ड चलना शुरू हो गई. वैन शी रीच्ड टॉमीज एंड अनिकास गेट शी स्टॉप्ड.
जब वो टॉमी एंड अनिका के गेट पर पहुंचती है तो वो रुक जाती है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस। वो दोनों बच्चे एक दूसरे को खामोशी से देख रहे होते हैं। एट लास्ट टॉमी स्पॉक। आखिरकार टॉमी बोलता है, व्हाई डिड यू वॉक बैकवर्ड। तुम उल्टे कदम क्यों चल रही हो पीछे की तरफ। व्हाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स। वो खुद से पूछती है सेट पे भी पीपी कि मैं पीछे की तरफ क्यों चल रही हूँ। इजंट दिस अ फ्री कंट्री। इजंट दिस अ फ्री कंट्री। वो कहती है, क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है। कैंट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू। क्या यहाँ पर कोई इंसान जैसा चाहता है वैसे नहीं चल सकता। लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स दैट वे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इजिप्ट, इजिप्ट क्या है। इजिप्ट को कहते हैं मिस्र। इट्स अ कंट्री। इजिप्ट एक कंट्री है। क्या वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि इजिप्ट में हर कोई इसी तरह चलता है। एंड नोबडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज। और कोई भी इसे अजीब तसव्वुर नहीं करता, कोई भी इसे अजीब ख्याल नहीं करता। हाउ डू यू नो आस्क टॉमी। टॉमी से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू। तुम कभी इजिप्ट नहीं गई, क्या तुम गई हो। आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट। इंडीड आई हैव। मैं कभी इजिप्ट नहीं गई। मैं गई हूँ यकीनन। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ। इसके लिए तुम यकीन कर सकते हो। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स। मैं पूरी दुनिया में घूमी हूँ और मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। स्ट्रेंजर दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। और इससे भी अजीब चीज़ें देखी हैं कि इंसान बैकवर्ड चल रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें मैंने देखी हैं, पीपी कहती है। आई वंडर वॉट यू वुड हैव सेड। कहते मुझे हैरानगी हो रही है कि तुम ये क्यों कह रहे हो। इफ़ आई हैड कम अलोंग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे If I had come along walking on my hands the way they do in farthest Asia, अगर मैं अपने हाथों के ऊपर चलती हुई आऊँ तो ये तरीका कहाँ अपनाया जाता है। farthest Asia, एशिया के दूर, एशिया में अपनाया जाता है ये इस तरीका। Students, put the mark here, put the date here and have a recap again. इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि टॉमी एंड अनिका देखते हैं कि पीपी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली है। एक पाँव उसका फुटपाथ पर है, दूसरा वो घर सीटती हुई गंदी जगह से लेकर चल रही है। फिर उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी दूर जाकर पीपी वापस आती है, लेकिन वो बैकवर्ड चल रही है, पीछे की तरफ चल रही है। और टॉमी एंड अनिका को देख कर वो रुक जाती है। वो पीछे की तरफ क्यों चल रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो घर पहुँचने के लिए मुड़ना नहीं चाहती। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा पीपी का जो करेक्टर है बहुत ही रिमार्केबल है, स्ट्रेंज है, अजीबोगरीब ये लड़की है। टॉमी एंड अनिका को क्या चीज़ बहुत अजीब लगी कि देयर इज़ अ मंकी ऑन हर शोल्डर्स। उसने भी ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है एंड तिनको का हेड वाइट हेड उसके पास है। तो टॉमी एंड अनिका पीपी से पूछते हैं कि तुम क्यों पीछे की तरफ चल रही हो। तो वो क्या कहती है टॉमी एंड अनिका को कि ये आज़ाद मुल्क नहीं है, मैं पीछे की तरफ नहीं चल सकती। और वह क्या कहती है कि मैंने इजिप्ट में ऐसे ही चलते हैं लोग और कोई से अजीब फील नहीं करता। और मैंने ऐसे बहुत से कंट्रीज देखे हैं जहाँ इससे भी बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। इवन फारदेस्ट एशिया में लोग अपने हाथों पर भी चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया कि कितनी अजीब लड़की है और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है इस स्टोरी में। येस, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ अजीब और गरीब बातें हो रही हैं। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 2। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। नाउ स्टूडेंट्स, देर आर सम वर्ब नाउन वर्ब्स एंड आर्टिकल्स। नाउन स्टूडेंट्स, नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ का कोई नाम हम रखते हैं या कोई नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, पेंसिल, हिना, अनीक, ये सारे क्या हैं, नाउन हैं। किसी भी चीज़ का हम नाम को नाउन कहते हैं। वर्ब, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन।
वर्ब क्या होता है बेटा? जिसमें हम कुछ काम कर रहे होते हैं. यस कोई एक्शन शो हो रहा होता है, इसे हम कहते हैं वर्ब. एंड आर्टिकल्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स? ए, एन एंड द. ए, एन एंड द, इट इज द आर्टिकल्स. ए यूज्ड बिफोर कंसोनेंट, एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल्स, एंड द इज यूज्ड फॉर द स्पेशल वर्ड. Let's start the exercise. Some nouns, verbs and articles A and the are missing from the passage below. Choose suitable words from the box and fill in the blanks. ये जो पैसेज है हमारे पास स्टूडेंट्स, जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो कि मैं फिल कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए. और ये हमें कहाँ से ढूंढने थे ऑप्शंस? इस बॉक्स के अंदर से. लेट्स स्टार्ट. पीपी वॉज लिविंग द शिप टू स्टार्ट. पीपी ने शिप से छोड़ा या शिप से उतरी टू स्टार्ट एन एडवेंचर. वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर एडवेंचर बिकॉज एडवेंचर स्टार्ट फ्रॉम अ वोवेल, दैट इज ए. सो वी हैव टू यूज एन एंड बिफोर द एडवेंचर. पीपी वॉज लिविंग द शिप टू स्टार्ट एन एडवेंचर. पीपी ने शिप से उतरी या शिप छोड़ा एडवेंचर के लिए. पीपी टुक टू थिंग्स. टुक, वी यूज टुक. ओके, टुक मीन्स, टुक से द वर्ब. पीपी ने ली दो चीज़ें विथ हर फ्रॉम द शिप. अपने साथ दो चीज़ें ली उसने किस में से? शिप में से. एंड शिप इज अ नाउन. शिप क्या है? नाम है. वी टुक द, वी चूज द शिप फॉर दिस प्लैंक. शिप इज अ नाउन. अ लिटिल मंकी, एक छोटा मंकी, हुज नेम वॉज मिस्टर निल्सन. उसने एक छोटा मंकी लिया जिसका नाम क्या? मंकी इज अ नाउन. यस, मंकी नाम है ना. हर नेम, हुज नेम वॉज मिस्टर निल्सन, उसका नाम था मिस्टर निल्सन. एंड अ बिग सूट केस, और एक बड़ा सूट केस लिया. सूट केस इज ऑल्सो अ नाउन, क्योंकि ये भी नाम है किसी चीज़ का. फुल ऑफ गोल्ड पीसेस, और वो किससे भरा हुआ था? सोने के पीसेस से. द सेलर स्टूड अपॉन द डेक. जो सेलर जो होता है, जो शिप का चलाते हैं, उनको कहते हैं द सेलर स्टूड अपॉन द डेक. डेक कहते हैं शिप का जो फ्रंट पार्ट होता है, इसको कहते हैं डेक. उसके ऊपर खड़ा होता है. स्टूड, स्टूड इज अ पास्ट ऑफ स्टैंड एंड इट इज़ अ वर्ब. एंड वेव्ड, और क्या हिलाते हैं? अपना हाथ हिलाते हैं, वेव्ड. पिपी हेल्ड द सूट केस टाइटली. पिपी इज ऑल्सो नाउन. हेल्ड, उसने पकड़ा होता है. द इज अ आर्टिकल. यस, द इज अ आर्टिकल. हम आर्टिकल सूट केस को क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं, ये इसको स्पेशल कर रहे हैं. सूट केस को टाइटली पकड़ा होता है. एंड वॉकड ऑफ विद मिस्टर नेल्सन ऑन हर शोल्डर, और वो चलने लग जाती है. वॉकड इज अ वर्ब, चलने लग जाती है नेल्सन को अपने शोल्डर पे बिठा के. स्टूडेंट्स, क्लियर है ये पॉइंट सारे आपको? यू हैव टू फिल दिस एट योर होम. स्टूडेंट्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द नाउन्स आर. आपको इस बॉक्स में से नाउन्स ढूंढने हैं कि इसमें से नाउन कौन कौन से हैं. शिप इज अ नाउन, सूटकेस, मंकी एंड पीपी, दीज आर नाउन्स. द वर्ब्स आर, ये आप लोग खुद कर सकते हो. अगर हेल्प चाहिए तो आप ये वीडियो में से चेक कर सकते हैं आंसर्स अपने. वर्ब्स आर टुक, स्टूड, वेव्ड, वॉक्ड. दीज आर द पास्ट फॉर्म्स. ओके, टुक, स्टूड, वेव्ड एंड वॉक्ड. दीज आर वर्ब्स. आर्टिकल्स आर यू ऑल नो एंड द ए. Okay students, you have to complete the page number 2 of workbook at your home. We will read the next part of the story in the next class. Till then, Allah Hafiz.